इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा 2023 राजस्थान एग्जाम 2023 में पूछे गए करंट अफेयर के 50 प्लस क्वेश्चन की चर्चा करूंगा। 2023 में राजस्थान में अभी तक सीईटी ग्रेजुएशन का ही एग्जाम हुआ, तो सीईटी ग्रेजुएशन एग्जाम में पूछे गए सभी करंट अफेयर 50 प्लस का वीडियो लेके आया हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करना और वीडियो को अधिक से शेयर करना। और अभी तक आपने हमारा अगर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाके हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। तो अब बात करता हूँ 50 प्लस करंट अफेयर के पहले क्वेश्चन की। हाल ही में राजस्थान के किस लोक संगीत कलाकार को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, हाल ही में राजस्थान के लोक संगीत कलाकार गाजी खां बरना, जिन्हें अप्रैल 2022 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 32वां बिहारी पुरस्कार माधव हाड़ा को किस रचना के लिए प्रदान किया गया है? तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि 32वां बिहारी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, तब आपका आंसर हो जाएगा माधव हाड़ा को। माधव हाड़ा को लेकिन किस रचना के लिए दिया गया? तो रचना थी पचरंग चोला पहर सखीरी, पचरंग चोला पहर सखीरी। तो क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है रचना का नाम दे के पूछ ले इसके रचयिता कौन है, तो आपको पता होना चाहिए माधव हाड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थानी भाषा का केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थानी भाषा का केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 मिथेश निर्मोई को प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस राजस्थान के किस जिले में आयोजित की गई है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस राजस्थान के नागपुर में आयोजित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2022-23 के लिए निम्नलिखित में से कौन से देश को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में निर्वाचित किया गया? तो एग्जाम में आपके चार ऑप्शन थे जिसमें आपका राइट आंसर था गैबोन देश को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में निर्वाचित किया गया था वर्ष 2022-23 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश का पहला प्लेटिनम रेटेड ग्रीन रेलवे स्टेशन कौन सा बना है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, देश का पहला प्लेटिनम रेटेड ग्रीन रेलवे स्टेशन हैदराबाद स्टेशन बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष है आपके एन के सिंह। कौन है? एन के सिंह 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीमा सुरक्षा बल द्वारा जनवरी 2022 में राजस्थान की सीमा पर कौन सा अभियान चलाया गया है? तो जनवरी 2022 में राजस्थान की सीमा पर सीमा सुरक्षा बल द्वारा ऑपरेशन सर्द हवा अभियान चलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की जनवरी 2022 में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थान की जनवरी 2022 में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से गौरी माहेश्वरी को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के छठे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थान के छठे वित्त आयोग के अध्यक्ष है प्रद्युमन सिंह। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से शेयर करें। इसी तरह आपको टॉपिक वाइज जीके भी देखने को मिलेगी और करंट अफेयर भी देखने को मिलेगी हमारे चैनल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने से पहले पंकज मित्तल कहाँ के मुख्य न्यायाधीश थे? यानी कि वर्तमान में राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है पंकज मित्तल, और राजस्थान से पहले ये कहाँ के मुख्य न्यायाधीश थे? तो ये थे जम्मू कश्मीर के मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के जल जीवन मिशन के तहत केंद्र और राज्य सरकार की सहभागिता क्रमशः कितनी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थान के जल जीवन मिशन के तहत केंद्र और राज्य का बराबर परसेंटेज भाग है 50 और 50 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की पहली हस्तशिल्प नीति किस वर्ष जारी की गई है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थान की पहली हस्तशिल्प नीति 2022 में जारी की गई है। कब जारी की गई है? 2022 में जारी की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुक्ति नामक कविता संग्रह के रचयिता कौन है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, मुक्ति नामक कविता संग्रह के रचयिता है मिठेश निर्मोई। कौन है? मिठेश निर्मोई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में खबरों में रहा परख निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, हाल ही में खबरों में रहा परख आपके शिक्षा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अडानी हाइब्रिड एनर्जी की सहायक कंपनी ने किस स्थान पर भारत का पहला पवन सोर हाइब्रिड पावर प्लांट स्थापित किया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, अडानी हाइब्रिड एनर्जी की सहायक कंपनी ने राजस्थान के जैसलमेर जिले में भारत का पहला पवन सोर हाइब्रिड पावर प्लांट स्थापित किया है। तो यह भी क्वेश्चन बन सकता है कि भारत का पहला पवन सोर हाइब्रिड पावर प्लांट
किस कंपनी द्वारा स्थापित किया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा अडानी हाइब्रिड एनर्जी की शाही कंपनी द्वारा स्थापित किया गया है। और कहाँ किया गया? तो राजस्थान के जैसलमेर जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव एंटोनियो गुटरेस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रेंच ओपन 2022 में महिला एकल की विजेता कौन है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंच ओपन 2022 में महिला एकल की विजेता है ईगा स्वियातेक। कौन है? ईगा स्वियातेक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अटल सेवा केंद्र का नाम बदलकर क्या रखा गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अटल सेवा केंद्र का नाम बदलकर राजीव गांधी सेवा केंद्र किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वर्तमान में राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 50 है। कितनी है? 50। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान सरकार ने विधायक क्षेत्रीय विकास योजना में 2021-22 के लिए विधायक नीति बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान सरकार ने विधायक क्षेत्रीय विकास योजना में 2021-22 के लिए विधायक नीति बढ़ाकर 5 करोड़ रुपये कर दिए हैं। कितने कर दिए हैं? 5 करोड़ रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के सकल राज्य मूल्यवर्धन में आधार कीमतों पर 2021-22 में कृषि और संबद्ध क्षेत्र का योगदान कितना प्रतिशत है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान के सकल राज्य मूल्यवर्धन में आधार कीमतों पर 2021-22 में कृषि और संबद्ध क्षेत्र का योगदान प्रतिशत 28.85% है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडस्ट्रियल पार्क रेटिंग सिस्टम रिपोर्ट 2.0 के अनुसार राजस्थान में कितने पार्क को लीडर के रूप में दर्जा दिया गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इंडस्ट्रियल पार्क रेटिंग सिस्टम रिपोर्ट 2.0 के अनुसार राजस्थान में टोटल 17 पार्क को लीडर के रूप में दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के बजट 2021-22 में इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना में कितनी राशि तक ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाने की घोषणा की गई है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान के बजट 2021-22 में इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना में 50,000 रुपये तक ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मई 2022 में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवाती तूफान का क्या नाम था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मई 2022 में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवाती तूफान का नाम असानी था। क्या था? असानी। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, और अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ आपको फ्री में टेस्ट अवेलेबल करवाए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने किस राज्य में 2300 करोड़ रुपये की 119 किलोमीटर की 6 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने मध्य प्रदेश राज्य में 2300 करोड़ रुपये की 119 किलोमीटर की 6 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने किस शहर में जुलाई 2022 को 5वें ग्लोबल फिल्म टूरिज्म कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने मुंबई शहर में जुलाई 2022 को 5वें ग्लोबल फिल्म टूरिज्म कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2022 पर नारी शक्ति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2022 पर नारी शक्ति पुरस्कार से बतूल बेगम को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल को जुलाई 2022 में यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल में शामिल किया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता के थोलावीरा स्थल को जुलाई 2022 में यूनेस्को ने विश्व विरासत सूची में शामिल किया है। तो क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि यूनेस्को ने थोलावीरा को कब विश्व विरासत सूची में शामिल किया है? तो आपको पता होना चाहिए जुलाई 2022 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में मुख्यमंत्री राजनीर योजना किस वर्ष में घोषित की गई है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान में मुख्यमंत्री राजनीर योजना वर्ष 2020 में घोषित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2025 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 2025 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी टोक्यो शहर करेगा। कौन सा शहर करेगा? टोक्यो शहर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगस्त 2022 तक भारत में कुल 75 रामसर स्थल हैं, इनमें से सर्वाधिक रामसर स्थल किस राज्य से हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अगस्त 2022 तक की बात करें तो भारत में टोटल 75 रामसर स्थल है, इसमें से देखा जाए तो तमिलनाडु राज्य में सर्वाधिक रामसर स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, युवा मामले और खेल मंत्रालय ने
वर्ष 2022 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार अचंता शरत कमल को देने की घोषणा की गई है। इनका संबंध किस खेल से है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, अचंता शरत कमल का संबंध टेबल टेनिस से है, जिन्हें 2022 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2021-22 में राजस्थान में उद्योग क्षेत्र का स्थिर कीमतों पर सकल राज्य मूल्यवर्धन में क्षेत्र के योगदान क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वर्ष 2021-22 में राजस्थान में उद्योग क्षेत्र का स्थिर कीमतों पर सकल राज्य मूल्यवर्धन में क्षेत्र के योगदान 26.34% है। नेक्स्ट क्वेश्चन, HPCL राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड एवं राजस्थान सरकार के मध्य कितनी इक्विटी भागीदारी का संयुक्त उद्यम है? तो HPCL राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड और राजस्थान सरकार के मध्य 74% और 26% की भागीदारी का संयुक्त उद्यम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 2022 को केंद्र सरकार की PM वाणी योजना का शुभारंभ राजस्थान के किस जिले में किया गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, PM वाणी का योजना का शुभारंभ राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले में किया गया है। कब किया गया? जनवरी 2022 में। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और टेलीग्राम चैनल का भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो जाके ज्वाइन कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में ऑयल रिफाइनरी की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थान में ऑयल रिफाइनरी की स्थापना बाड़मेर शहर में की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगस्त 2022 की स्थिति के अनुसार भारत में कितने घोषित आर्द्र भूमियां हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, अगस्त 2022 की स्थिति के अनुसार टोटल भारत में 75 आर्द्र भूमियां घोषित की गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें से तमिलनाडु राज्य में सबसे अधिक है। गिरल लिग्नाइट ताप शक्ति परियोजना किस गांव में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, गिरल लिग्नाइट ताप शक्ति परियोजना आपके बाड़मेर शहर के थुमली गाँव में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी वैश्विक भूख सूचकांक 2022 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वैश्विक भूख सूचकांक 2022 में भारत की रैंक 107वीं रही है। कौन सी रही है? 107वीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2023 का G20 शिखर सम्मेलन किस देश में प्रस्तावित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वर्ष 2023 का G20 शिखर सम्मेलन भारत देश में प्रस्तावित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने वर्ष 2021-22 में भारत से सर्वाधिक निर्यात किए हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, USA देश ने वर्ष 2021-22 में भारत से सर्वाधिक निर्यात की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूजल प्रबंध के लिए हेलीबोर्न संरक्षण तकनीक का प्रारंभ राजस्थान के किस जिले में किया गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, भूजल प्रबंधन के लिए हेलीबोर्न संरक्षण तकनीक का प्रारंभ राजस्थान के जोधपुर जिले में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मई 2022 में त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री किसे नियुक्त किया गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री के रूप में माणिक शाह को नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित अभिजीत सेन निम्नलिखित में से किस पेशे से संबंधित थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित अभिजीत सेन आपके अर्थशास्त्र से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 की मेजबानी विक्टोरिया, जो कि ऑस्ट्रेलिया में स्थित हैं, तो ऑस्ट्रेलिया देश इसकी मेजबानी करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में मुख्यमंत्री पर्यटन उद्योग संबल योजना कब प्रारंभ की गई है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थान में मुख्यमंत्री पर्यटन उद्योग संबल योजना वर्ष 2021 में प्रारंभ की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ई मित्र एट होम योजना को किस जिलों के शहरी क्षेत्रों हेतु शुरू किया गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ई मित्र एट होम योजना को दो जिलों जयपुर और जोधपुर में शहरी क्षेत्रों हेतु शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन फरवरी की मेजबानी किस संस्थान द्वारा की गई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन फरवरी की मेजबानी ऊर्जा और संसाधन संस्थान द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में राजस्थान विधानसभा की महिला और बाल कल्याण संबंधी समिति के अध्यक्ष कौन है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वर्तमान में राजस्थान की विधानसभा की महिला और बाल कल्याण संबंधी समिति के अध्यक्ष है अनिता भदेल। कौन है? अनिता भदेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सितंबर 2022 को किस देश के प्रधानमंत्री ने राजस्थान का दौरा किया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, हाल ही में सितंबर 2022 को बांग्लादेश देश के प्रधानमंत्री ने राजस्थान का दौरा किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय खिलाड़ी ने जर्मन ओपन बैडमिंटन 2022 प्रतियोगिता में रजत पदक प्राप्त किया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, जर्मन ओपन बैडमिंटन 2022 प्रतियोगिता में रजत पदक प्राप्त किया भारतीय खिलाड़ी लक्ष्य सेन ने। और लक्ष्य सेन का संबंध किस खेल से है? तो आपका आंसर हो जाएगा, बैडमिंटन से। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारत के किन शहरों को 2021 ट्री सिटीज ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी गई है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, भारत के दो शहर मुंबई और हैदराबाद को 2021 ट्री सिटीज ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में वर्तमान लोकायुक्त कौन है? तो वर्तमान में राजस्थान के लोकायुक्त है प्रताप कृष्ण लोहरा। एंड लास्ट क्वेश्चन, भारतीय रेलवे ने हाल ही में किस IIT संस्थान के साथ स्वदेशी हाइपरलूप सिस्टम विकसित करने की घोषणा की है? तो आपका आंसर हो जाएगा, भारतीय रेलवे ने हाल ही में IIT मद्रास के साथ स्वदेशी हाइपरलूप सिस्टम विकसित करने की घोषणा की है। तो ये थे आपके वर्ष 2023 में राजस्थान एग्जाम में पूछे गए करंट अफेयर के क्वेश्चन। और 2023 में अब तक आपका सिर्फ CET ग्रेजुएशन एग्जाम हुए थे, तो CET ग्रेजुएशन एग्जाम में पूछे गए कंप्लीट करंट अफेयर का वीडियो था। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। और अब तक अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।